जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज कार्गो ऑटो के बारे में, जिसमें आपको सीएनजी और डीजल का ऑप्शन देखने को मिलता है। बजाज के सीएनजी ऑटो कार्गो के कीमत, स्पेसिफिकेशन, ऑन रोड प्राइस और माइलेज, पेलोड कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। इस गाड़ी को आप कितने रुपए दे करके घर ले जा सकते हैं और आपको डाउन पेमेंट क्या देना होगा, साथ में ईएमआई कितनी बनेगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहले गाड़ी के लुक्स और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखा जाए तो यहाँ पर आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी में यह गाड़ी मिल जाती है। सामने का ग्लास काफी बड़ा दिया गया है। सिंगल वाइपर आपको यहाँ इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है और सेंटर में आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। यह 2023 मेड एडिशन बजाज कार्गो है। इंडिकेटर के सेटअप आपको हाइड्रोजन बल्ब के साथ में ही मिलता है। दोनों तरफ आपको उभरे हुए आकार में इंडिकेटर मिल जाते हैं। साइड मिरर भी काफी अच्छी दी गई है ताकि आपको पीछे की साइड में देखने के लिए कोई परेशानी न हो। नीचे की तरफ दोनों ही हेडलैम्प्स के बीच में आपको बजाज मैक्सिमा की क्रोम फिनिश के साथ रेजिंग लगे मिलते हैं। काफी स्टाइलिश लुक में आपको लगभग दूसरे थ्री व्हीलर की तुलना में काफी अलग ब्लैक कलर फाइबर के साथ नोजी लुक देखने को मिलता है। दोनों साइड में आपको गोलाकार चौड़ी हाइड्रोजन बल्ब के साथ हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो नाइट के समय काफी अच्छी और तेज रोशनी देते हैं। बॉडी कलर ऑप्शन के साथ आपको मेटल फाइबर के साथ मेडगार्ड दिया गया है। साथ ही 10 इंच के टायर और काफी मजबूत हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। साइड में आपको सीएनजी का स्टिकर देखने को मिल जाता है। 1250 केजी जीवीडब्ल्यू के साथ 619 केजी की पेलोड कैपेसिटी मिलती है बजाज सीएनजी ऑटो कार्गो में। कार्गो ऑटो रिक्शा सेगमेंट में बजाज ऑटो मैक्सिमा सी एक बेहतरीन कार्गो थ्री व्हीलर है। यह कार्गो लोडर लॉजिस्टिक बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने में काफी सक्षम है। मैक्सिमा सी पावरफुल कार्गो ऑटो रिक्शा होने के साथ साथ यह हर तरह की रोड पर चलने के हिसाब से काफी अच्छा है और माइलेज रेंज भी काफी शानदार है। भारत में मैक्सिमा सी की एक्स शोरूम प्राइस 264,000 रुपए के आसपास होती है। यह मार्केट के सबसे बेस्ट कार्गो ऑटो रिक्शा में से एक है, जिसे आप खरीद सकते हैं। 30 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज यह ऑटो रिक्शा लोडर निकाल देती है। इसमें पावरफुल इंजन मिलता है। इसमें 230 सीसी की पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 4750 आरपीएम पर 7.30 केडब्ल्यू की मैक्सिमम पावर जनरेट करती है और साथ ही साथ 3500 आरपीएम पर 16.5 एनएम की टॉर्क जनरेट करती है। 8 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। अगर सीएनजी टैंक कैपेसिटी को देखा जाए तो 5.6 केजी तक का दिया गया है। 195 एमएम के आसपास ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतरीन 18% की ग्रेविटी कंपनी के द्वारा इस कार्गो लोडर थ्री व्हीलर में देखने को मिल जाती है। 1650x1425 एमएम का डायमेंशन मिल जाता है। साथ ही इसकी कार्गो बॉडी काफी मजबूत है। आप इसके पेलोड कैपेसिटी से ज्यादा माल लोड कर सकते हैं। 2125 एमएम का व्हील बेस, 1250 केजी की मैक्सिमम जीवीडब्ल्यू देखने को मिल जाता है। चेचिस विद केबिन के साथ उपलब्ध मैक्सिमा सी आती है। कलर ऑप्शन को देखा जाए तो व्हाइट, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड ऑप्शन मिल जाते हैं। साइड लुक्स काफी स्टाइलिश है। ड्रम ब्रेक्स के साथ हैवी ड्यूटी सस्पेंशन देखने को मिलता है। केबिन के अंदर जाने के लिए डोर मिलते हैं। दोनों साइड में केबिन के अंदर हवा के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए डोर पर ही ओपन होने वाले मिरर दिए गए हैं। साथ ही आप इस डोर को दोनों तरफ से की के द्वारा लॉक कर सकते हैं। केबिन के अंदर काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। साथ ही काफी अच्छी कुशन के साथ बैकरेस्ट के साथ ड्राइवर की सीट मिल जाती है, जिसपे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और स्टाइलिश ब्लैक कलर में डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। हैंडल बार ऑप्शन के साथ सीट के नीचे बैटरी लगी मिलती है और यहीं पर स्पेयर व्हील्स भी दिया गया है। तीन पहिया गाड़ी में लगे हुए मिलते हैं और एक पहिया आपको स्पेयर्स के रूप में यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों डैशबोर्ड पर लॉकेबल बॉक्स, मोबाइल चार्जर, म्यूजिक सिस्टम लगाने का स्पेस और साउंड स्पीकर लगाने की जगह और काफी सारी इस ऑटो से रिलेटिव स्विच देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सामने की तरफ इसका डिजिटल स्पीडोमीटर में लगभग सारी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। साथ ही ब्रेक लीवर यहाँ पर दिया गया है और हैंड ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अधिकतम 50 किमी प्रति हॉर्स की स्पीड देखने को मिल जाती है। हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक और 5 मैनुअल गियर सामने की तरफ और 1 गियर रिवर्स करने के लिए दिया गया है। 7600 एमएम की टर्निंग रेडियंस देखने को मिल जाती है, जो काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके हों या उबड़ खाबड़ रास्ते हों या फिर चढ़ाई चढ़ना हो तो वहाँ यह मैक्सिमा सीएनजी कार्गो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है।
पीछे की साइड में दोनों तरफ इंडिकेटर और बॉडी ढाला पर मैक्सिमा का स्टिकर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ एक साइड में सीएनजी का स्टिकर और दूसरी साइड में सी का स्टिकर लगा मिल जाता है। इसके नीचे की तरफ आपको रेड कलर का रेफ्लेक्टर लगा मिलता है। नीचे की साइड में इंजन प्रोटेक्शन गार्ड बम्पर दिया गया है। काफी लंबी सी दिखने वाली ये हैवी कार्गो लोडर है। बजाज मैक्सिमा सी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है और ज्यादा से ज्यादा कमाई निकाल करके देती है। देश की नंबर वन लोडर थ्री व्हीलर है जो विश्वसनीय है। बात करें ऑन रोड प्राइस की तो यूपी के गोरखपुर के अंदर 3,25,000 रुपए के आसपास बजाज थ्री व्हीलर के शोरूम पर यह गाड़ी मिल जाती है। कम से कम डाउन पेमेंट अगर देखा जाए तो लगभग 70,000 से 80,000 रुपए के बीच में भी आप जमा कर फाइनेंस के माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं। साथ ही अमूमन अगर देखा जाए तो 10 से 12,000 रुपए इसके इंस्टॉलमेंट आती है। यह भी निर्भर करता है कि आखिर आप कितने साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं। 1 साल से 5 साल के लिए भी फाइनेंस हो जाता है। इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल पेमेंट कितना आएगा यह डिपेंड आपके डाउन पेमेंट और लोन की अवधि पर निर्भर करता है। दोस्तों इस गाड़ी पर शोरूम के द्वारा समय समय पर ऑफर भी मिलता रहता है। आप अपने निकट के बजाज थ्री व्हीलर शोरूम पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ऑटो बाइक जंक्शन चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।